है जी सर। फायर पंप रूम कहीं देखे हो? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसे ही पंप लगे होंगे। हाँ जी। किसी भी बिल्डिंग में जाओगे जो बेसमेंट के अंदर पंप हाउस होते हैं वो ऐसे ही पंप हाउस होते हैं। हाँ जी। तो पंप रूम में देखे होंगे जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ये कंबाइंड होता है, मतलब उसका जो आउटलेट राइजर एक ही होता है, दिख रहा है? हाँ। ये जो आउटलेट राइजर है, आप जैसे ये पीछे देख रहे हो दीवार, वो फायर टैंक है, वो टैंक ग्राउंड फ्लोर तक ऊपर तक है, पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब ये जो पंप है, पंप से ऊपर जो है पानी भरा हुआ है। अब चलो बताओ मुझे, चलो अब इधर खड़ा हो जाओ। ये कौन सी पंप है? स्प्रिंकलर जोगी पंप। ये कौन सी पंप है? स्प्रिंकलर मेन पंप। स्प्रिंकलर मेन पंप। अच्छा, ये कौन सी पंप है? ये जोकी पंप, हाइड्रेंट जोकी पंप। हाइड्रेंट जोकी पंप। ये कौन सी पंप है? हाइड्रेंट मेन पंप। हाइड्रेंट मेन पंप। ये कौन सी पंप है? डीजल इंजन। डीजल इंजन पंप। डीजल इंजन। डीजल इंजन पंप। पंप, ठीक है। ठीक। अब इस बिल्डिंग में स्प्रिंकलर जोकी पंप, स्प्रिंकलर मेन पंप, हाइड्रेंट जोकी पंप, हाइड्रेंट मेन पंप और डीजल इंजन पंप, इन सब का रोल कब और कहाँ होता है, और ये सारे पंप, इतने सारे पंप क्यों लगे हैं, इसके बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये जो पंप हाउस देख रहे हो जी सर, पंप हाउस में सारे पंप असेंबल है। पाइपलाइन देख, ध्यान देना कि पंप के बारे में बता रहा हूँ, पाइपलाइन के द्वारा भी ये जो पाइपलाइन आपस में जुड़े हैं, इसका भी ध्यान देना, कहाँ पे क्या लगा है, वाल्व लगे हैं, क्यों लगे हैं, समझ जाओगे तो समझ लो कि पंप हाउस के बारे में तुम समझ गए, ठीक है। अब ये क्या है, पंप रूम के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो है हमारा जो पीछे दीवार है ना जी सर, ये है फायर स्टोरेज वाटर टैंक। लिखा ना जी सर, फायर वाटर टैंक, फायर वाटर टैंक नंबर वन। अब तुमको मैं यहां से दिखा रहा हूं, फायर वाटर टैंक नंबर वन, फायर वाटर टैंक नंबर टू, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि इस पे लिखा है टैंक नंबर वन कैपेसिटी 100 KL, 100 KL, केएल का मतलब होता है, केएल का किलो लीटर, केएल का मतलब किलो लीटर होता है। इसका मतलब है एक केएल में 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1000। एक केएल में 1000 लीटर पानी आता है। तो 100 KL का मतलब हो गया 1 लाख, 1000 × 100 मतलब 1 लाख लीटर पानी एक टैंक के अंदर स्टोरेज है। समझ में आ रहा भाई? जी सर। एक मतलब 1 लाख लीटर एक टैंक में स्टोरेज है, और दूसरा टैंक नंबर टू, फायर वाटर टैंक नंबर टू कैपेसिटी 100 KL, इसका मतलब 1 लाख लीटर दो नंबर टैंक में। अब ये दोनों टैंक जो है अलग अलग क्यों है, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। दो टैंक है, इसको एक ही टैंक 2 लाख लीटर का बनाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों है? ये इसलिए अलग अलग है ताकि मेंटेनेंस के दौरान, जैसे टैंक जब हम इसके अंदर पानी भरते हैं हमेशा फुल रहता है, लेकिन साल में एक बार हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस मतलब इसकी सफाई करती है, टैंक के अंदर कुछ कचड़े हैं उसको साफ करते हैं, टैंक की भी सफाई होती है, इसका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो उस दौरान पूरे टैंक को खाली करके अगर हम मेंटेनेंस करेंगे, उस दौरान आग लग सकती है, ठीक है, आग लग सकती है। इसलिए 1 लाख लीटर प्लस 1 लाख लीटर, अगर हम एक का मेंटेनेंस करेंगे तो उस दौरान दूसरा टैंक में भी पानी अवेलेबल रहेगा। मतलब हम एक का मेंटेनेंस कर रहे हैं, दूसरा उस टाइम जरूरत पड़ने पे, इमरजेंसी पड़ने पे 1 लाख लीटर हमारे पास बैकअप में पानी है, इसलिए दोनों टैंक अलग अलग है। अब ये टैंक क्या होता है, टैंक किस लिए बना है? फायर वाटर टैंक, ये जो पानी से का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे? ये जो बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कहीं भी फ्लोर पे आग लग जाती है, तो इसी का पानी का इस्तेमाल, ये बैकअप में होता है हमेशा पानी,
इस पानी का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पानी आता कहाँ से है, इसके अंदर पानी आता कहाँ से है, तो आप आगे देख रहे हो बहुत सारे टैंक लगे हुए हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग के इंटरनल इस्तेमाल के लिए यूज होते हैं, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए और किसी काम के लिए टैंक में पानी चाहिए। भाई बिल्डिंग चलना है तो बगैर पानी तो नहीं चलेगा ना, उसको चाहिए, उसी में ये इमरजेंसी टैंक है आग बुझाने के लिए। तो सबसे पहले ये जरूरी है, इसको पानी हमेशा होना चाहिए। तो कोई भी नगर निगम द्वारा पानी आता है, कोई भी नगर निगम द्वारा पानी आता है या फिर किसी बोरवेल द्वारा, बोरिंग के द्वारा पानी आता है, तो सबसे पहले टैंक नंबर 2 में, इस फायर टैंक में पानी गिरता है। कहाँ गिरता है? फायर टैंक में पानी गिरता है। ये पानी हमेशा फुल रहता है, किस लिए रहता है कि इसके अंदर पानी पहले गिरेगा, उसके बाद आगे जो बाथरूम टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होता है टैंक, डोमेस्टिक टैंक जो भी टैंक है उसमें, इसके बाद उसमें ओवरफ्लो होके जाएगा, मतलब पानी भर जाएगा, उसको ऊपर से जाएगा। अब ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये पानी हमेशा भरा रहता है, ठीक है। ये नहीं कि उधर से हम जरूरत पड़ने पर इसके अंदर पानी डालेंगे, नहीं, इसके अंदर हमेशा पानी भरा रहता है, यहाँ से ओवरफ्लो होके दूसरे टैंकों में जाएगा बाथरूम टॉयलेट के लिए, ठीक है। अब ये टैंक को इस बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने के लिए ये पंप्स लगे हैं। क्या लगे हैं? पंप्स। अब ये टैंक क्या होता है, ऊपर तक भरा हुआ है, देख रहे हो, अभी हम बेसमेंट 2 में हैं और ये ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा हुआ है, तो मतलब पानी की दबाव यहाँ तक है जी। अगर हम यहाँ से कहीं दीवार से लीकेज हो जाएगा तो पूरा पानी बाहर निकलने लगेगा, इसका मतलब पानी नीचे स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है, नीचे दबाव है, इसलिए पंप को टैंक के नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? टैंक के नीचे, ये सब टैंक के नीचे, ठीक है जी सर। और मैं आपको बता दूं कि ये पंप के द्वारा इस पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाते हैं, जिसमें फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो आग लगने पर ऑटोमेटिक पानी का छिड़काव करके बुझाता है, जो बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जैसे ही आग लगती है तो पाइप के द्वारा आग बुझाते हैं, पाइप लगा के मैनुअल आग बुझाते हैं, उसको फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ठीक सर, अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आ जाओ पंप के बारे में बता रहे हैं, चलो बिल्कुल पीछे जाओ, एकदम पीछे। ये हमारे फायर पंप, टैंक के बारे में जान गए जी सर, ये हमारे फायर पंप लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्प्रिंकलर जॉकी पंप जी सर, स्प्रिंकलर मेन पंप, हाइड्रेंट जॉकी पंप, हाइड्रेंट मेन पंप, फायर डीजल इंजन। अब मैं आपको बता दूं, ये स्प्रिंकलर जॉकी पंप और स्प्रिंकलर मेन पंप क्यों लगे हैं, ठीक है। जब कभी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर टूट जाता है और आग बुझाने, मतलब पानी का छिड़काव होने लगता है। किसी भी फ्लोर पे फायर स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, उसमें से पानी निकलता है और ऑटोमेटिक उस एरिया की आग को बुझाने लगता है। तो उस पानी की पूर्ति के लिए, उसके अंदर प्रेशर से पानी भरा होता है, उस पानी को प्रेशर से पानी को भेजने के लिए ये पंप लगे होते हैं। क्या होते हैं? लगे होते हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये सारा राइजर देख रहे हो, ये इनलेट राइजर है, ये क्या है? इनलेट पाइप, इसको बोलते हैं सक्शन हाइड्रेट, सक्शन हेडर, क्या बोलते हैं? सक्शन हेडर, सक्शन हेडर, ठीक है। ये है डिलीवरी हेडर, उसके ऊपर वाला है डिलीवरी हेडर, मोटा वाला पाइप दिख रहा है, डिलीवरी हेडर है, ये सक्शन हेडर है। अब सक्शन हेडर में चूंकि टैंक ज्यादा ऊंचाई पे है, ये पानी हमेशा इसके अंदर भरा रहता है नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर को। अब इस पानी क्या होगा, इस पंप में जाएगा, ऑटोमेटिक ये पंप चलेगा, इस पानी को उठा के डिलीवरी हॉज, डिलीवरी जो आपका हेडर है उसमें स्पीड से भेजेगा, इसका प्रेशर ज्यादा होता है। अब ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत सारे सिस्टम है इसमें। ये जो सक्शन हेडर है, ठीक है, और ये पंप है, आउटलेट हेडर है। ये नहीं कि जब
आग लगती है, अब देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर गेज है, ये क्या है प्रेशर गेज है, इसमें दिखा रहा है 9 kg, कितना प्रेशर दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 9 kg/cm². ठीक है, ठीक, तो ये प्रेशर यहाँ 9 kg है और नीचे 1.5 kg होगा, इधर इसमें प्रेशर नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 1 kg से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टैंक का ऊंचाई स्टैंडिंग जो पानी होगा 0.5 kg या 1 kg, उससे ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कितना है 9 kg। कैसे है ये पंप, क्या होता है कि हमने इस पर सेट कर रखे पंप को ऑटोमेटिक, ये जॉकी पंप है, स्प्रिंकलर जॉकी पंप, हमने इसको क्या सेट कर रखे हैं कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा 8 kg पे, मतलब प्रेशर अभी कितना है 9 kg, जैसे ही प्रेशर कम होगा 8 kg पाएगा ये पंप अपने आप चल जाएगा, ठीक है जी सर, कितने केजी पे 8 kg/cm² पे चल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक 9.5 kg जैसे ही प्रेशर होगा ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, समझ में आ गया जी सर, 8 kg पे चल जाएगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा 9 kg, अब ये पंप तो चलेगा प्रेशर आगे बढ़ा देगा, ठीक है, यहाँ पे लगा है नॉन रिटर्नेबल वाल्व, क्या करेगा ये ध्यान दो, ये क्या है नॉन रिटर्नेबल वाल्व, NRV नॉन रिटर्नेबल वाल्व, चलने के दौरान पंप प्रेशर जैसे ही आगे भेजेगा प्रेशर जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो पानी वापस चलाएगा, क्या होगा वापस आ जाएगा पानी, वापस आ जाएगा भाई, इसलिए नॉन रिटर्नेबल वाल्व उस पानी को रोक देता है, इसका काम है पानी ऊपर जा सकता है लेकिन पानी वापस नहीं आ सकता है, तो पंप जैसे ही चला पानी तो ऊपर गया इस प्रेशर में लेकिन वापस नहीं आया, तो इसका नाम है नॉन रिटर्नेबल वाल्व, ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुल जाता है चलते टाइम और जैसे ही पंप बंद होता है पानी का इसके ऊपर दबाव आता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व, पानी जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा। अब इसके आगे ये एक वाल्व लगा है, क्या है वाल्व है, ये वाल्व है और ये वाल्व है, ये क्या है दो वाल्व है, इसको वाल्व है बटरफ्लाई वाल्व है, क्या है बटरफ्लाई, इसको इसलिए लगा है ताकि इसमें कोई खराबी आ गया कोई दिक्कत आ गया हमें इसको खोल के रिपेयर करना है, उस दौरान इस वाल्व को बंद करके हम इसमें कुछ काम कर सके, समझ में आ गया जी सर, इसका रोल दोनों वाल्व का जब ही है जब हमें इसमें कोई काम करना है, कोई लीकेज ठीक करनी है, कोई मेंटेनेंस का काम करना है, समझ में आ रहा है भाई जी सर, उस दौरान इन दोनों को वाल्व को बंद करके हम काम करेंगे, समझ में आ गया जी सर, नहीं तो हमेशा ये वाल्व खुला रहेगा, ठीक है जी सर। अब मैं आपको बता दूं ये ऑटोमेटिक चलता कैसे है जी सर, ये पंप ऑटोमेटिक चलता कैसे है भाई, तो ये देख रहे हो आप, नजदीक आ जाओ इधर आओ, ये है प्रेशर स्विच, क्या है प्रेशर स्विच, ये प्रेशर स्विच है, स्प्रिंकलर जॉकी पंप इस पे लिखा है, ये दूसरे पंप का है, तो मैं प्रेशर स्विच के बारे में बता रहा हूँ, ये प्रेशर स्विच क्या होता है कि जो लाइन है, लाइन देख रहे हो आउटलेट डिलीवरी हेडर है, ये डिलीवरी हेडर से प्रेशर स्विच जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जो प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है 9 kg, वो इस प्रेशर स्विच को मालूम है, इस प्रेशर स्विच को मालूम है कि हमारे अंदर 9 kg है, समझ में आ गया जी सर, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा कितने 8 kg पे, तो प्रेशर स्विच को मालूम चल जाएगा कि 8 kg प्रेशर हो गया, ठीक है, तो स्विच क्या करेगा ऑन कर देगा पंप को, इस स्विच का काम क्या है कि प्रेशर यहाँ पर सेट किया जाता है कि 8 kg पे तुमको ऑन हो जाना है, ठीक है जी सर, ये स्विच ऑन ऑफ का काम करता है ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये पंप को ऑन करे, ये क्या करेगा सिग्नल, जैसे प्रेशर कम हो गया 8 kg पे ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये सिग्नल भेजेगा, इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग पैनल, क्या बोलते हैं फायर फाइटिंग पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है जी सर, इधर से सप्लाई उस पंप को जाता है, ये क्या करेगा सप्लाई, वो स्विच को मैंने बताया था, स्विच क्या करेगा
इधर पैनल को सिग्नल भेजेगा, स्विच क्या करेगा पैनल को सिग्नल भेजेगा, और ये क्या करेगा पंप को इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो चल भाई, उसने 8 kg पे इसको सिग्नल भेज दिया। इसमें देख रहे हो अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है। अब यहाँ पे लिखा है स्प्रिंकलर जॉकी पंप, स्प्रिंकलर जॉकी पंप ऑटोमेटिक, इसको सिग्नल मिला, ऑटोमेटिक सिग्नल मिला। ये क्या किया, उसको पावर सप्लाई ये ऑटोमेटिक दिया, समझ में आ गया, और ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा चलेगा। जैसे ही प्रेशर बना लेगा 9.5 kg, कितना 9.5 kg, इस प्रेशर स्विच को मालूम चल जाएगा कि 9.5 kg हो गया, समझ में आ गया। ये प्रेशर स्विच फिर उस फायर जो इलेक्ट्रिकल जो फायर फाइटिंग पैनल है, फायर फाइटिंग पैनल है, उसको सिग्नल भेजेगा कि प्रेशर पूरा हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इसकी पावर सप्लाई को काट देगा ऑटोमेटिक, ठीक है जी सर। पंप बंद हो जाएगा, पंप क्या होगा बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पंप बंद हो जाएगा पानी रिटर्न नहीं आएगा, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, ठीक है। ऐसे ही हम सिर्फ एक पंप के बारे में बताए थे, ऐसे ही सारे पंप काम करता है, ऐसे ही सारे पंप काम करता है, समझ में आ गया जी सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्प्रिंकलर जॉकी पंप था, ये स्प्रिंकलर मेन पंप। अब मान लीजिए स्प्रिंकलर में छोटा मोटा लीकेज है जी। इस जॉकी पंप का काम है 180 लीटर, यहाँ पे लिखा है 180 लीटर पर मिनट पानी देगा, 180 लीटर पर मिनट पानी देगा, समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ, 180 लीटर पर मिनट पानी देगा। अगर मान लो स्प्रिंकलर एक टूटा है, 180 लीटर में उसका काम हो जा रहा है, तो सिर्फ यही चलेगा क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन कर देगा, समझ में आ गया। छोटा मोटा लीकेज होगा उसमें, 100 इसकी कैपेसिटी 180 लीटर की है भाई, जहाँ रिक्वायरमेंट 180 लीटर की है उससे कम है 180 लीटर से, वहाँ ये चल के उसको मेंटेन कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कई स्प्रिंकलर टूट गया, पानी की जरूरत ज्यादा हो गई, समझ में आ गया, उस दौरान स्प्रिंकलर मेन पंप चलेगा। कौन चलेगा? स्प्रिंकलर मेन पंप। अब इसको कैसे पता चलेगा? इसको इसलिए पता चलेगा कि ये प्रेशर स्विच बताएगा। कौन बताएगा? प्रेशर स्विच, जो कि पंप ने खूब जोर लगा के चला, 180 लीटर पानी दिया, लेकिन पानी की जरूरत ज्यादा है। ये भाई साहब को 8 केजी प्रेशर मिला, लेकिन ये पंप चल रहा है, लेकिन प्रेशर और कम हो रहा है, 8 से 7 केजी आ गया, क्योंकि प्रेशर डाउन हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं जी सर। अब फिर भी ये चल रहा है अपना भाई, जितना योगदान है उतना दे रहा है, लेकिन प्रेशर डाउन होते जा रहा है क्योंकि पानी की जरूरत ज्यादा है। फिर जैसे ही 6 kg, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 kg ऑटोमेटिक स्टार्ट, 6 kg, कितना 6 kg। अब भाई प्रेशर इतना डाउन हो गया कि 6 kg पे आ गया, कितना 6 kg। अब दूसरा वाला स्विच को पता चल जाएगा, ये स्प्रिंकलर जॉकी वाले स्विच को पता चला, उसके बाद स्प्रिंकलर मेन पंप वाले जो स्प्रिंकलर मेन पंप का जो स्विच है जी सर, ठीक है, प्रेशर स्विच, इसको पता चल गया, अरे ये तो प्रेशर डाउन हो गया, 6 kg पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको भेजेगा सिग्नल स्प्रिंकलर मेन पंप को, लिखा ना मेन स्प्रिंकलर पंप, समझ में आ गया। अब इसको पैनल क्या करेगा, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा इस पंप को चला देगा, किसको चला देगा, स्प्रिंकलर मेन पंप। अभी क्या होगा कि ये देगा 2850 लीटर पर मिनट का पानी, कितना 2850, ये कितना दे रहा था 180 लीटर, थोड़ा पानी, लेकिन जहां ज्यादा जरूरत है ये चल जाएगा, और देगा इतना ज्यादा पानी देगा, ठीक है, 2850 लीटर पर मिनट के हिसाब से, कि प्रेशर एकदम तेजी से बढ़ेगा साढ़े, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक स्टॉप 9.5 kg, क्या लिखा है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी है कि 9.5 kg पे
ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। लेकिन कई जगह और अब नए जो बिल्डिंग बन रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक बंद होने का कोई प्रोविजन नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार ऑटोमेटिक चल गया तो चलता रहेगा, क्योंकि भाई ये तभी चलता है, इसका मतलब पानी के रिक्वायरमेंट ज्यादा है जी सर। तो जो फायर फाइटर होता है उसको पता चल जाता है कि भाई पानी कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिक तो चल जाता है, लेकिन ये चलता रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा जब तक आप आके पैनल द्वारा, फायर फाइटिंग पैनल द्वारा बंद नहीं करोगे इसको। समझ में आ गया जी सर? तो ये चीज समझ में आ गया, जो कि पंप कैसे चला, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ा तो स्प्रिंकलर मेन पंप चल गया। समझ में आ गया भाई? जी सर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक सरप्राइज बता रहा हूँ, स्प्रिंकलर जॉकी पंप, स्प्रिंकलर मेन पंप, अभी मैंने बताया कि ये चलने के बाद कौन सा चलेगा, मेन पंप, मेन स्प्रिंकलर पंप अगर बीच में, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, उससे पहले एक पंप और चलेगा। अब ये देख रहे हो, जैसे नॉन रिटर्नेबल वाल्व बताया था मैंने आपको जी सर, ये डिस्चार्ज हेडर है, कौन सा डिस्चार्ज हेडर। अब इधर देख रहे हो, आगे और भी पंप लगे हैं, ये कौन सी पंप लगे हैं, आगे लगे हैं ना, बीच में लगा है दो वाल्व, दो वाल्व, एक लगा है मेंटेनेंस वाल्व, ठीक है, जरूरत पड़ने पे इसको बंद करके हम मेंटेनेंस का काम करते हैं, डिवाइडिंग, ठीक है। एक लगा है नॉन रिटर्नेबल वाल्व, क्या लगा है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, हाँ, जैसे मैंने बताया था ना, सभी पंपों में नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगे होते हैं जी सर, लगे होते हैं, वैसे यहाँ भी। अब यहाँ नॉन रिटर्नेबल वाल्व की क्या जरूरत है, तो इस नॉन रिटर्नेबल वाल्व के इस साइड जो है हाइड्रेंट सिस्टम का पार्ट है, किसका है, हाइड्रेंट सिस्टम का पार्ट है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, और नॉन रिटर्नेबल के इस साइड जो है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ रहा है जी सर? अब यहां से क्या होगा कि जैसे इधर पानी की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर डाउन होगा, ठीक है, जो कि पंप चल जाएगा, लेकिन अब इधर पानी डाउन हो रहा है तो नॉन रिटर्नेबल वाल्व में हाइड्रेंट सिस्टम से भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रेंट सिस्टम से पानी स्टार्ट। अब नॉन रिटर्नेबल वाल्व की कहानी मैं बता रहा हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी जो है हाइड्रेंट सिस्टम में नहीं जा सकता, ये चीज ध्यान रखना, स्प्रिंकलर सिस्टम का पानी जो है हाइड्रेंट सिस्टम में नहीं जा सकता, लेकिन हाइड्रेंट सिस्टम का पानी स्प्रिंकलर सिस्टम में आ सकता है, इसलिए नॉन रिटर्नेबल वाल्व मैंने बताया था, पानी जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता। तो हाइड्रेंट सिस्टम का पानी स्प्रिंकलर सिस्टम में जा सकता है, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम का पानी हाइड्रेंट सिस्टम में नहीं जा सकता, ये चीज समझ में आ गई आपको जी सर। अब मैं आपको और चीज बताऊं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा जॉकी पंप बंद हो गया तो हाइड्रेंट सिस्टम वाला जॉकी चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम वाले को पानी की जरूरत है, वो कितने पे चला, ऑटोमेटिक, ठीक है, 8.5 kg पे वो भी चला, और जैसे ही डाउन हो गया, जैसे मान लीजिए ये भी चल जाएगा 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, हाइड्रेंट जॉकी पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की जरूरत पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं सर? तो मैं बता दूं, इस हिसाब से जो जो प्रेशर सेट है, इस सारे हाइड्रेंट सिस्टम के पंप चल जाएंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, ये अपना योगदान देगा 180 लीटर हाइड्रेंट जॉकी पंप, ये अपना योगदान देगा 2850 लीटर। समझ में आ गया जी सर? तो स्प्रिंकलर सिस्टम के मदद के लिए सिर्फ यही पंप नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम सिर्फ अपने दो पंप के सहारे नहीं है, इनको हाइड्रेंट वाले पंप भी पानी भेजेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? मान लीजिए पावर सप्लाई कट गई, आग लग गई, बिजली चली गई, हालांकि ये जो फायर फाइटिंग पंप लगा है, डीजल जनरेटर जो होता है बिल्डिंग के लिए, उसका डायरेक्ट सप्लाई आया होता है कि बिल्डिंग के बिजली चली जाए तब भी, बिल्डिंग की बिजली चली जाए तब भी इसको पावर सप्लाई देने के लिए प्रोविजन होता है। फिर भी मान लो उसी बिजली घर में आग लग गई,
या फिर कोई दिक्कत के कारण बिजली चली गई, समझ में आ गया, बिजली चली गई सब कुछ होने के बावजूद भी, तब ये चलता है फायर डीजल इंजन पंप। कौन सा? फायर डीजल इंजन पंप। ठीक है, जैसे ही पानी की जरूरत होगा, बिजली चली गई, प्रेशर डाउन होने लगा, प्रेशर इतना डाउन होगा कि यहाँ पे लिखा है 5 kg/cm² पे स्टार्ट होगा। कितने पे? 5 kg/cm² पर फायर डीजल इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और चलता रहेगा जब तक आप आगे बंद नहीं करोगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसकी कैपेसिटी है 2850 लीटर पर मिनट, मतलब 2850 लीटर पर मिनट की पानी फायर डीजल इंजन देगा। ठीक है, तो इसका महत्व समझ में आ गया। फायर डीजल इंजन किस लिए लगा होता है कि सारा पावर सप्लाई कटने के बावजूद बाद ये चलेगा, समझ में आ गया जी। इसलिए इसको सबसे कम प्रेशर पे रखा है कि तुम लास्ट में चलोगे जब पावर सप्लाई कट जाए, तो ऑटोमेटिक पावर प्रेशर कम होगा। अब इसको सिग्नल सेम, वहां पे देख रहे हो प्रेशर स्विच लगा है, क्या लगा है? प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या करेगा? इस फायर फाइटिंग पैनल को सिग्नल देगा। ठीक है, फायर फाइटिंग पैनल को सिग्नल देगा। फायर डीजी पंप लिखा है, फायर डीजल इंजन पंप लिखा होना चाहिए, इसको सिग्नल देगा। अब इस पैनल का काम क्या है? फायर वहां से सिग्नल लेके डीजल इंजन को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देना जैसे ही 5 kg प्रेशर से कम हुआ। ठीक है, और इसके अंदर एक चार्जर व्यवस्था होता है। क्या होता है? चार्जर व्यवस्था होता है जो उस बैटरी को चार्ज भी करेगा, जो फायर डीजल इंजन का बैटरी होता है जिससे सेल्फ स्टार्ट होता है, ये उसको चार्ज करके रखेगा। वहां से इसका वायर जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं? और आज लगने पे जैसे ही ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, ये हूटर भी जलने लगेगा। ये दिख रहा है, इसका हूटर भी बजने लगेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, फायर डीजल इंजन का महत्व। अब मैं बात करूंगा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। समझ में आ गया जी सर। अच्छा, इसमें लास्ट ऑप्शन एक और रहता है, मैं आपको बताऊंगा कि ओवरहेड टैंक होता है। क्या होता है? ओवरहेड टैंक होता है टेरिस पे, समझ में आ गया। उसमें 20,000 लीटर का एक छत पे टैंक होता है। कितने लीटर का? 20,000 लीटर का टैंक। मान लीजिए बाई चांस सारे पंप फेल हो गए, फायर डीजल इंजन भी फेल हो गया, तो वहां पे नॉन रिटर, ये जो लाइन गया है ना, जो स्प्रिंकलर लाइन के लिए आग बुझाने के लिए पाइप लाइन गया होता है ऊपर तक, जो सारे स्प्रिंकलर से जुड़े होते हैं, उस टैंक से भी जुड़ा होता है। किससे? उस टैंक से। और टैंक में लगा होता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व। क्या लगा होता है? हाँ, मतलब वो पानी आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, उधर से प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये पानी क्या होता है, टैंक पूरा भरा होता है, दूसरे बाहरी पंप के मदद से उस टैंक को भर के रखते हैं। जब कभी आग लग गई, सारे पंप फेल हो गए, इधर का प्रेशर डाउन हो गया, तो ओवरहेड टैंक जो 20,000 लीटर टैंक है टेरिस पे, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे होने के कारण वो सबको नॉर्मल प्रेशर देगा 20,000 लीटर। समझ में आ गया कि नहीं? वो अपना काम करेगा, ऑटोमेटिक ग्रेविटी प्रेशर से पानी नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ गया? तो आग बुझाने के लिए पानी का सोर्स कहाँ कहाँ से मिला कि इस इंटरनल फायर टैंक से, जो पंप के द्वारा मदद से आग को बुझाया गया, और मान लीजिए ये सारा सिस्टम खत्म हो गया तब ऊपर ओवरहेड टैंक का काम आया। तभी आपको समझ में आ गया फायर स्प्रिंकलर पंप के बारे में। अब हम आते हैं फायर हाइड्रेंट पंप के बारे में। किसमें आते हैं? फायर हाइड्रेंट पंप। मान लीजिए एक हाइड्रेंट खोलते हो आग बुझाने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी होता है लगभग 800-900 लीटर पर मिनट की। कितनी? 800-900 लीटर पर मिनट उसको चाहिए आग बुझाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? फायर हाइड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जॉकी पंप कितना देता है? 180 लीटर। कितना है? 180 लीटर में काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया जी। ये सिर्फ जॉकी पंप इसलिए होता है कि कहीं से हल्का फुल्का लीकेज हुआ, छोटा मोटा आप हाइड्रेंट को खोल के पानी को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है,
कहीं कोई पानी की जरूरत, जैसे फायर हॉजरील खोल दिए, हाइड्रेंट से जुड़ा होता है फायर हॉजरील, उसका इस्तेमाल कीजिए तो उसमें कम पानी की जरूरत होता है। तो उस दौरान ये जॉकी छोटे मोटे काम के लिए ऑटोमेटिक चलेगा, कितने के जी पे, 8.5 KG पे चलेगा और 9.5 KG पे बंद हो जाएगा, ठीक है जी सर। हाइड्रेंट लाइन में कोई भी काम करते हो तो स्प्रिंकलर सिस्टम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉन रिटर्नेबल वाल लगा, उधर का पानी इधर नहीं आएगा, मतलब इधर का प्रेशर डाउन होगा तो उधर का प्रेशर डाउन नहीं होगा, समझ में आ गया। उधर का प्रेशर का डाउन होगा तो इधर का भी होगा, इसलिए इधर जब कोई सिस्टम चलता तो उससे कोई मतलब नहीं है स्प्रिंकलर से, ठीक है। तो ये रहा है हाइड्रेंट जॉकी पंप, छोटे मोटे लीकेज के लिए ऑटोमेटिक चलेगा और ऑटोमेटिक 9.5 KG पे बंद हो जाएगा, समझ में आ गया। सेम कहानी, वो प्रेशर स्विच फायर फाइटिंग पैनल को कमांड देगा और वहीं से ये ऑन होगा और ऑफ होगा, समझ में आ गया। ये है फायर हाइड्रेंट मेन पंप, हाइड्रेंट मेन पंप दिख रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये मेन पंप जो है इसका काम है, जैसे आग लग गई, समझ में आ गया, जॉकी पंप कितना देगा, 180 लीटर। आपका हाइड्रेंट से आग बुझाने में चाहिए 800-900 लीटर पर मिनट, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कम से कम 500-600 लीटर पर मिनट तो चाहिए, उतना तो जॉकी नहीं देगा, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन ये हाइड्रेंट पंप चलेगा तो कितना देगा, 2850 लीटर पर मिनट पानी, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें कई हाइड्रेंट चला के आप आग बुझा सकते हो, ठीक है। तो उस दौरान ये ऑटोमेटिक चलेगा, जैसे ही वो फेल हो जाएगा तो 7 KG पर ये चल जाएगा, कितने पे, 7 KG पे ये चल जाएगा और 9.5 KG पे ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। हालांकि ऑटोमेटिक बंद होने का प्रोविजन नहीं होता नए सिस्टम में, ठीक है। ये फायर डीजल इंजन है, फायर डीजल इंजन है ये सब, मतलब मैंने बताया स्प्रिंकलर के लिए भी है और हाइड्रेंट के लिए भी, ठीक है। आग बुझाने के लिए मान लीजिए हाइड्रेंट की जरूरत है, बिजली चली गई, समझ में आ गया, फायर फाइटिंग करे, मान लीजिए स्प्रिंकलर चल रही है, बिजली चली गई, सारे पंप नहीं चले, तो उस दौरान ये फायर डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएगा 5 KG/cm² पे और चलता रहेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे, समझ में आ गया जी। तो आशा करता हूँ फायर टैंक क्या होता है और फायर पंप हाउस, ये है फायर फाइटिंग पंप हाउस, मतलब जब भी कहीं, अब देखो ये बिल्डिंग के अंदर पाइपलाइन का जाल है, स्प्रिंकलर के लिए हर कोने कोने पे पाइपलाइन गए हैं, आग लगेगी तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर टूट जाएगा, पानी का छिड़काव करेगा और आग बुझेगा। हर 15 मीटर के एरिया में, हर 30 मीटर के एरिया में बिल्डिंग के हर कोने कोने में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा है आग बुझाने के लिए, फायर होजिल सिस्टम लगा आग बुझाने के लिए। तो उनको पानी का प्रेशर कहाँ से मिलेगा, उनको पानी पाइपलाइन द्वारा से जुड़े होते हैं इस पंप हाउस से, समझ में आ गया। ये सारे पंप हाउस में जितने पंप लगे हैं ये ऑटोमेटिक चलेंगे और आग को बुझाने के लिए पानी प्रोवाइड करेंगे। अब मैं आपको फायर फाइटिंग पैनल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से जो ऑटोमेटिक पावर सप्लाई होता है वो इनके पास जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन हम यहाँ से जरूरत पड़ने पे मैनुअल भी चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, मैनुअल मतलब हम उस ऑटोमेटिक सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए हाइड्रेंट जॉकी पंप है, क्या लिखा है, हाइड्रेंट जॉकी पंप, इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है, ये रेड कलर का देख रहे हो, ये 1 नंबर 0 और 2 नंबर है जी। अब हम इसको 1 नंबर पर सेलेक्ट कर रखे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिक है, 0 पर कर दिए तो ना ऑटोमेटिक है ना मैनुअल है, 2 पर कर दिए तो मैनुअल है, मतलब ऑटोमेटिक ये नहीं चलेगा। अब ये बटन का काम आता है, 1 नंबर पर बटन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 0 पर खैर ना ऑटोमेटिक चलेगा ना मैनुअल चलेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी सर। अब ये हो गया 2 नंबर मैनुअल, क्या हो गया, हमें मैनुअल चलाना है, ठीक है। तो ये है स्टार्ट और ये है स्टॉप। तो स्टार्ट को दबाएंगे तो पंप चल जाएगा, स्टॉप को चलाएंगे तो बंद हो जाएगा। जैसे स्टार्ट को हमने दबा दिया पंप हमारे चल गए, स्टॉप को दबाया तो बंद हो गए। ये है
ठीक है, इसकी फंक्शन समझ में आ गया जी सर। बाकी टेक्निकल चीजें हैं, जब चलेगा तो इसमें कितना करंट ले रहा है, तो इसको एम्पियर मीटर बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। और ये अलग अलग फेज के लिए सिलेक्टर स्विच है, ये ऑटोमेटिक उसके लिए है, मैनुअल के लिए ये जो है सिलेक्टर स्विच है, जैसे बी है, वाई है, आर है, मतलब ब्लू कलर के वायर जो है उससे कितना करंट ले रहा है, रेड कलर की वायर में, मतलब ये तीन फेस से चलते हैं ना, जो तीनों फेस का अलग अलग है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक है जी। इसका करंट नापने के लिए मैंने मान लीजिए स्टार्ट कर दिया, इसका करंट चल रहा है, दिख रहा करंट, अब इस पर सेलेक्ट किया, इसका करंट अलग है, इस पर सेलेक्ट किया, तो सबका ये टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं वो मोटर का ध्यान देने के लिए कि हमारी मोटर जिस कैपेसिटी के उतना करंट ले रहा है, कि ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, ज़्यादा लेगा तो यहाँ से ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको देखने के लिए ये एम्पियर मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि फायर पंप हाउस के बारे में आप समझ गए होंगे, और ये फायर फाइटिंग पैनल का रोल क्या है, और सभी पंपों का नाम क्या क्या है, और ये सारे इतने पंप क्यों लगे होते हैं, फायर डीजल इंजन पंप का क्या रोल होता है, समझ में आ गया कि नहीं जी सर। एक ऑप्शन और होता है, इस जो जितने भी स्प्रिंकलर होते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, फायर टैंक के पास जहां अंडरग्राउंड फायर टैंक लगे होते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड इनलेट सिस्टम लगे होते हैं, फायर ब्रिगेड इनलेट सिस्टम, फायर समझ में आ गया कि नहीं जी सर। उसमें क्या होता है, मान लीजिए सभी पंप फेल हो गए, सारा कुछ फेल हो गया, डीजल इंजन भी फेल हो गया, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, टैंक से पानी को लेगी या अपने साथ लेकर आएगी। फायर ब्रिगेड इनलेट क्या होता है, इसी पाइपलाइन से जुड़ा होता है, वो अपना पंप का इस्तेमाल करते हुए, जो उसके अंदर पंप लगाते हैं फायर इंजन का, फायर टैंक से पानी को लेगा और इस पाइपलाइन में एक कपलिंग होता है, उसमें अपना हॉज पाइप लगा देगा और वो अपना इंजन स्टार्ट कर देगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ये पानी क्या होता है, 10वें फ्लोर 11वें फ्लोर 8वें फ्लोर जिस फ्लोर पे आग की ज़रूरत है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है 10वें फ्लोर तक, वो पानी अपने पंप द्वारा इस लाइन को भेजेगी, अपना पंप लगा के, ऐसा व्यवस्था यहाँ पे होता है, ठीक है जी सर। समझ में आ गया फायर पंप हाउस में ठीक। अब यह है एयर व्हिसल टैंक, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में अलग अलग समझाऊँगा मैं आपको, धन्यवाद।